14 साल 3 महीने और 17 दिन हो चुके हैं हमें अलग हुए। कहा जाता है जब आप अपनी मोहब्बत से मिलने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं तो बड़ी से बड़ी दूरी भी छोटी हो जाती है। दिल में एक कश्मकश सी रहती है, लेकिन जब धड़कनें बढ़ जाती हैं तो उस वक्त उसमें एक बेचैनी होती है। रोज सुबह 7:30 बजे दौड़ते हुए मैं उस वादे को कभी भी नहीं भूल पाता जो मैंने तुमसे किया था। तुमने मुझसे कहा था कि मैं हर रोज इसी वक्त यहाँ पर आया करूँ। हो सकता है किसी दिन तुम यहाँ पर आओ और मैं ना मिलूँ, तो इसीलिए चाहे आंधी आए या तूफान या मेरे पैर में छाले हों, मैं दौड़ता रहता हूँ और यहाँ आता रहता हूँ। रामकृष्ण सिग्नल से हर रोज हजारों लोग गुजरते हैं, लेकिन किसी ने भी मेरे बारे में नहीं सोचा होगा। मैं जानता हूँ एक अनाथ की जिंदगी क्या होती है। मेरे आसपास लोगों की भीड़ है, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे अंदर के अकेलेपन को नहीं समझ सका। तुम कैसे समझ गई जुन्नू? इतना ही नहीं, तुमने मुझे हर चीज में छुपी खूबसूरती का मतलब भी समझाया। दौड़ते हुए तुम्हारे पायल की झनकार, पानी पूरी खाते वक्त तुम्हारी चूड़ियों की खनखनाहट, मुझसे बात करते वक्त हमेशा तुम्हारा हंसना, ऐसा लगता है ये सब कल की ही बात हो। तुमसे मिलने की चाह में मैं जिंदगी भर दौड़ने के लिए तैयार हूँ, पर आज इतने सालों बाद ऐसा क्यों लग रहा है कि पूरी कायनात मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बताना चाहती है। पता है जुन्नू, ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे पास ही हो। पास होके भी हम इतने दूर क्यों हैं? कब मिलोगी तुम मुझसे?